नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चोपड़ा। आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज़। आज हम लोग आए हुए हैं सिविल लाइंस में, भगत वाटिका में। अभी हमको यहां पे इन्फॉर्मेशन आई है कि यहां पे किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, तो वहीं उनके जो ओनर हैं, मकान मालिक हैं, उनके पास अभी हम लोग आए हुए हैं। तो इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या रीज़न रहा और क्या चीज़ें रही हैं, थोड़ी सी बताएँ। वो क्या नाम था लड़की का? पलक नाम था उसका जी। हाँ, और वो आई थी 4 बजे करीब इस वाले गेट से। मुझे आप ये बताएं कि वो कितने दिन से यहाँ पर रह रही थी? 20 दिन से रह रही थी। कोई आईडी वाईडी आपके यहाँ पे? आईडी वाईडी नहीं दी थी उसने, आजकल कर रही थी और आईडी दी नहीं उसने मुझे, ना ही किराया दिया। और क्या रहा बताएं मुझे आप? और जो है ना, इस गेट से आई थी, बोली थी आंटी जी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं थोड़ा कमरा में लेटती हूँ। मैं ये ठीक है, मैं इधर वो टीवी देख रही थी, वो आ रही थी ना भागवत, वो देख रही थी, तो जा कर के नहीं लेट गई। मेरे को क्या मालूम क्या क्या कर रही है ये, वो स्टूल ले जा कर के और उसने फांसी लगा ली। ये शाम के टाइम की बात होगी ना? और ये पुलिस वाले यहाँ पे कितने बजे पहुँचे आपके पास? 5 बजे करीब आए। पुलिस वाले कितने लोग आए थे यहाँ पे? टीम खूब सारे आ गए थे। अच्छा, तो पुलिस वाले यहाँ पे आए हो, फिर इसके बाद एम्बुलेंस आई उनको लेने के लिए? एम्बुलेंस बुलाई थी हमने, पुलिस वाले ने नंबर दिए थे एम्बुलेंस के, फिर एम्बुलेंस आई, फिर उसको लेके चली गई। तो लड़की ने आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी उसके घर वालों की? कुछ भी नहीं दिया आपको? किसी ने दिया, उसकी बहन रहती थी यहाँ पर राकड़ी पे, उसके नंबर थे, उसकी बहन का पता था हमने, तो उसको फ़ोन करके बोल दिया सारा। क्या वो जॉब करती थी या फिर? जॉब करती थी यहाँ पर 4 नंबर पे। क्या उम्र होगी लड़की की? उसकी 22-23 साल की उम्र थी। 22-23 साल की उम्र थी। इसकी और आपको इसके अलावा कुछ पता है उसके बारे में? और बस ऐसी थी, हमारा कभी लेट आ रही है, कभी कैसे आ रही है, कभी कैसे आ रही है। मैं उसको कहती थी 9 बजे तक आ जा, तब तो रखूँगी घर, नहीं घर खाली करवा लूँगी तेरे से, 1-2 दिन में खाली कर जाना मेरा घर। टाइम था आने का? वो कभी 11 बजे आ रही है, कभी 12 बजे आ रही है, कभी 1-1 बजे चली जाती निकल के। मैं ताला लगाती उधर से रात को, ताला लगा के चाबी अपने पास रखती थी, पर पता नहीं इधर से चली जाती होगी तो उस वाले तो मैं लगा लेती थी। तो अपने जो घर का गेट पीछे भी है, आगे भी है, फ्रंट में? हाँ, एक इधर भी है, एक उधर भी है, एक ये भी है, अभी आप आए थे, 3 गेट है। ठीक है, धन्यवाद सर। सिविल लाइंस में जो भी सुसाइड हुआ है भगत वाटिका में, क्या हुआ, क्या रीजन था? आज समय करीब 5:45 बजे आसपास कंट्रोल रूम से इतला मिली थी कि भगत वाटिका मकान नंबर 99/70B में किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुँचे, चेतकाशी पहुँचे तो गेट अंदर से बंद था, दूसरी साइड से लोग तोड़कर अंदर गए, पहुँचे तो एक लड़की उम्र करीब 20 साल की फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी, जो उसकी डेथ हो गई थी, जिसका अवलोकन कर बॉडी को नीचे उतारा गया और मकान मालिक से सब जानकारी ली गई। तो लड़की पलक भारतीय नाम की लड़की है, करीब उम्र करीब 20 साल है, जो चिड़ावा के रहने वाली है, यहाँ तकरीबन 25 दिन से यहाँ रह रही है और किसी प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल्स की दुकान पर काम, शॉप पर काम करती है। मकान मालिक से क्या बातचीत हुई आपकी? मकान मालिक ने इतना बताया कि 25 दिन से गार्ड ने रूम दिलाया था, कॉलोनी गार्ड है, उसने कहा रूम देख रही लड़की, रूम खाली दे दो इसको, जिसे आधार कार्ड भी मांगा गया तो बोल मैं दे दूँगी बाद में, अभी तक दिया नहीं था। उसके तलाशी में आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर वो चिड़ावा के रहने वाली पलक भारतीय नाम है, जिसके परिजनों को सूचना दे दी है। बॉडी को SMS हॉस्पिटल में सुरक्षित रखवाया गया है, जिसके परिजन आने के बाद में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सर, जैसे कि मैं मौके पर गया था ना, तो मौके पर मैंने जब वारदात की थी अपने मकान मालिक से, तो उन्होंने बताया कि उसकी कोई सिस्टर भी यहाँ रहती थी। हाँ, बताया उनकी सिस्टर राकड़ी में कहने थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ जयपुर मौजूद नहीं है, वो चूरू गई हुई है। उनको भी संपर्क करके, दूरभाष से संपर्क करके बता दिया गया, वो भी पहुँचने वाले होंगे। उनके परिवार को बताया गया? अभी उसके मदर्स को बता दिया गया है और परिवारजन को सूचना दे दी गई है जी। ठीक है सर, धन्यवाद।